है SBN 9 News। SBN 9 News में आपका स्वागत है। 30 नवंबर तेलंगाना का विधानसभा चुनाव है और साथ ही साथ आपको बता दें कि 5 राज्यों के चुनाव को लेकर काफी ज्यादा हड़कंप देखने को मिल रहा है। कहीं EVM के साथ छेड़छाड़ देखने को मिलती है तो कहीं पोलिंग बूथ के बाहर अफरा तफरी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि तेलंगाना चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार संदेश और 2024 के लिए PM मोदी की एक तरफ ताबड़तोड़ यहाँ रैलियाँ हो रही। तेलंगाना चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन था। चुनाव प्रचार थमने से पहले सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS, विपक्षी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तीनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में जुटी BRS की ओर से मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी कि KCR का पूरा परिवार प्रचार में जुटा नजर आया, तो वहीं BJP और कांग्रेस ने पूरी सेंट्रल लीडरशिप को प्रचार के मैदान में उतार दिया। BJP की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, JP नड्डा, UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के CM हेमंत बिश्व शर्मा ने प्रचार की बागडोर संभाली। इसी बीच यहाँ पर एक नाम और है जो बार बार जिक्र में आ रहा है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। आपको बता दें कि यहाँ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी प्रचार प्रसार करने पहुँची थी, लेकिन इसी बीच तेलंगाना की महिलाओं ने न जाने क्यों स्मृति ईरानी को ऐसा सुनाया कि स्मृति ईरानी वहाँ से निकल कर वापस आ गयी। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान में भी स्मृति ईरानी लगातार अमेठी पहुँच रही थी और अभी भी लोकसभा चुनाव में ताकत झोंकने के लिए लगातार अमेठी जा रही हैं। कभी दिवाली का गिफ्ट पहुंचवाती हैं तो कभी वहां लोगों से जाकर बात करती हैं। लेकिन अगर जिक्र किया जाए वहां की जनता का तो जनता वहां की नाखुश है स्मृति ईरानी से। आखिरकार क्यों ये तो अभी पूर्ण तरीके से पता नहीं यहाँ पर चल पाया, लेकिन स्मृति ईरानी की छवि इस वक्त राजनीति में काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और इस खराब छवि की वजह से क्या स्मृति ईरानी को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है? क्या लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है? इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिए SBN 9 News। धन्यवाद।